من بازار تاصل لستاصل ده خواتي شوكلي كباب جرم. आज मैं मसाला किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी पिशावरी चपली कबाब, जिसमें मैं तमाम सीक्रेट्स जो है रेस्टोरेंट स्टाइल के वो मैं करूँगी यहाँ पे आपसे शेयर, इससे कबाब ना टूटेंगे ना फूटेंगे। तो चलें फिर इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। पिशावरी चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बड़े का कीमा जो कि है हाफ के जी। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, आज जो सारे काम जो है ना वो हाथों से ही होने वाले हैं, तो ये मैंने हाफ के जी ले लिया है। देखिए रूखा कीमा था, इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है पिसा हुआ लिया है, बिल्कुल अच्छे से बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। ये मैंने हाफ के जी लिया है और अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक, बल्कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही कर दी। देखिए 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे रोक लिया है, मतलब कि मैंने 1 टेबल स्पून का 1/3 टेबल स्पून मैंने इसमें और सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे इसको इतना मलूंगी, इतना सीने जो है अपनी जो है हम लोग इस तरीके से ना जो चढ़ा चढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब जो हमें करनी है ना मलाई एकदम कर देना है, बिल्कुल मसल मसल के इसको। Step 1, wake up brother gonna rise the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody. मैंने इसको नहीं कुछ तो 10 मिनट जो है अच्छी तरीके से इसको मैंने किया है मिक्स। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगा एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये कमर्शियल इंग्रेडिएंट है जैसे कि पिशावरी कबाब में ऐड होते, तो कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं करना है। मैंने यहाँ पे मकई का आटा लिया हुआ है जो कि 2.5 टेबल स्पून है, ये मकई का आटा है, ये इसमें अब चला जाएगा। और अब इसको भी डाल के मैं इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर मिक्स करूँगी ना कि मुझे बिल्कुल इसको कीमा ही बना लेना है और इसको कीमे में ही बिल्कुल हल कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसको कोई ऑयल ऐड नहीं होगा इसमें, बस इसी से हमें रेडी करना है इसको। इसकी असल चीज़ जो है ना वो होती है हमारी इसमें जो हम इसको मसलते हैं ना, इसकी चिपक लेके आनी है, और वो हम इसको मसल मसल के इसकी चिपक हम इस तरीके से, ये देखें मैं कैसे इसको ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से करना है इसको। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आटा नमक कीमा सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कीमा हो चुका है, इसको इतना मल लेना है कि मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल मिक्स कर दिया है, पता ही नहीं चल रहा है कि मकई का आटा इसमें ऐड है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट, तो जिसमें यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ये चली जाएंगी, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चले इसमें से मैं इसमें 1 टेबल स्पून बस इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ यहाँ पे 1/2 चाय का चम्मच इसमें जाएगी अजवाइन, बस 1/2 चाय के चम्मच से ज़्यादा अजवाइन इसमें नहीं जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था 4 खाने का चम्मच साबित धनिया, 2 खाने का चम्मच मैंने लिया था इसमें सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को मिला के यहाँ पर मैंने इसे हवल दस्ते में अच्छी तरीके से कूट लिया था और अब वो ऐड होगा इसमें। चले इसके साथ ज़ीरा जो है 2 बार ऐड होगा, एक तो मैंने साबित धनिया के साथ कूट के ऐड किया है और एक यहाँ पे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ये मैंने 1 चाय का चम्मच जो लिया था क्या बोलते हैं इसको अनारदाना, ये देखें ये चपली कबाब में यानी ये अनारदाना आपने इतनी क्वान्टिटी में ऐड करना है ताकि एक कबाब जो बनाए तो एक दाना तो उसमें आ ही आए, तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच अनारदाना जो है इसमें ले लिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐड करने के बाद अब इन चीज़ों को मैं इतना मिक्स करूँगी कि मैं फिर कहूँगी कि मैं इसको जो हूँ इन सब के साथ मिला के इसको कीमा कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे तमाम चीज़ों को जो है मैंने अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल इसको कीमा कर दिया, कोई मसाला देखें अलग से नहीं है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है ये कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं, सारा काम इसकी बस मिक्सिंग पर है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो और इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने 10 जवे लिए थे लहसुन के और इसको भी मैंने हवल दस्ते में बस 2-3 बार मारा तो ये देखें ऐसे तरीके से ये कूट गया है, इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर 1 बड़ी प्याज बिल्कुल बारीक, इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर दिया था, बारीक बारीक सा काटा था मैंने। 4 हरी मिर्चें बीचें निकाल दी थी, सिर्फ ग्रीन पार्ट है वो ले लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर हार्ट पार्ट सिर्फ कट किया है, बीचें निकाल दी थी सिर्फ हार्ट पार्ट कट कर लिया था। और इसको जो इन तमाम चीज़ों को डाल के मैं इस कीमे में इतनी ज़्यादा इसको मिक्स करूँगी ना यहाँ पर
ताकि टमाटर जो है वो नरम बन के कीमे में हल हो जाए, प्याज जो है सब कुछ कीमा बन जाए, अलग कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। इतना इसको मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इतने सख्त हाथों से तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट मिक्स किया है। यहाँ पे टमाटोज तो देखें आपको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे कीमे में, ये बिल्कुल मैंने दबा दबा के हैंड्स को हार्ड हैंड से मैंने इसको जो है यहाँ पे मिक्स किया है कि प्याज और टमाटोज जो हैं वो अच्छी तरीके से कीमे में सॉफ्ट होकर यहाँ पे मेश हो गए। अब क्या है, अब मैं इस सबको एक जगह करूँगी और मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट। उसके बाद फिर मैं इसको कवर कर दूँगी प्लास्टिक से, उसके बाद फिर मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँगा। अब मैं यहाँ पे इसको कबाब के जो शेप दे रही हूँ, जैसे होते हैं चपली कबाब मार्केट के, बिल्कुल अच्छा सा चने दिए। देखें कितना अच्छा, कोई भी देखें चीज़ आपको जो है यहाँ पे शो ही नहीं हो रही होगी। इसमें हर चीज़ मैंने अच्छी तरीके से इसमें जो है मिक्स कर दी। इसको कबाब का अच्छा सा शेप दे लेती हूँ। इसको भी लाइट हैंड से जो है प्रेस डाउन कर करके शेप देना है। चलिए यहाँ पे ये बन गया है। तकरीबन अगर मार्केट में आप लेने जाना तो आधा पाव का जो है ना वो यही वेट रखते हैं। तो अब मैं इसको डालती हूँ कढ़ाई में और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे करती हूँ फ्राई। आराम से यहाँ पे इसको मैं टर्न करूँगी। ये देखें बिल्कुल नहीं टूट रहे, कितने अच्छे कितने परफेक्ट हैं। ये देखें बिल्कुल मार्केट जैसा ना खुशबू, तो इसकी बिल्कुल मार्केट जैसी आ रही है। ऑयल बस कम रखना है और इसको ईजी जो है इसको फ्राई करना है। ये देखें कहीं से ये नहीं टूटा है, कितना अच्छा परफेक्ट ये बना है। सही है, इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब इसी तरह से मैं दूसरा डालूँगी। परफेक्ट यहाँ पे देखें कहीं से नहीं टूट रहा है। बिल्कुल देखें जैसे मार्केट में रोटी जैसा कबाब होता है ना, बिल्कुल ये वैसे ही कुक हो रहा है। कितने अच्छे परफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात को क्लियर कर दूँ कि मैंने जो यहाँ पे गोश्त लिया हुआ था माशाल्लाह से वो गोश्त बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। लेकिन एक कढ़ाई पर कर लूँ, लेकिन अगर जो आपसे ऐसा हो रहा है कि कबाब नहीं संभलने हैं, गोश्त अच्छा नहीं है, हो जाता है चिपक नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा और एक अंडा, आधा किलो कीमा में। ये में अक्सर कबाब नहीं संभल रहे, कबाब लग रहा है टूट जाएंगे, कबाब में लचक नहीं आ रही है, चिपक नहीं आ रही है, तब जाके इसमें ये जो है ये सीक्रेट चीज़ है जो कभी भी कोई होटल वाला आपसे शेयर नहीं करेगा, ये आपने यहाँ पे करना है, तो आपके कबाब बहुत अच्छे और अच्छे सही बन जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारे पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को, तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।